पुलिस सीआरपीएफ आईटीबीपी और सीआईएसएफ को मिली एक चिट्ठी में दिल्ली पंजाब और अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी मिली। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ के दौरान 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली में आईएसआईएस के एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद हथियार और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी के पास से बरामद आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों को भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया था। मुंबई में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक से पूछताछ की। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर विश्व भारती मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने एक बीजेपी नेता को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए जाने पर राज्य बीजेपी नेताओं ने इसे फंसाने की कोशिश बताया। बिहार के समस्तीपुर में नाव पलटने से 3 लोग पानी में डूब गए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने माना कि ताहिर हुसैन ने अपने समुदाय के लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जिल इमाम को लाने के लिए पुलिस की एक टीम असम पहुंची है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्थिक तंगी, एयर इंडिया और रेलवे में निजीकरण पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 62 गैर जरूरी कानून खत्म कर सकती है। लखनऊ विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना चाहती है। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। चीन से संबंध होने की वजह से केंद्र सरकार ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कैंसिल कर दिया है। शाहीनबाग आंदोलन से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं में नाराजगी की खबर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ धरना दिया। मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है। हरियाणा सरकार निजी कंपनियों में राज्य के 75% युवाओं को आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पेश करेगी। दशहरे से पहले मुगल गार्डन का नाम बदलकर अशोक वाटिका किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 10 लाख टेस्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला का रेप करने के आरोप में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक गाड़ी नाले में गिर गई, जिसके बाद फंसे लोगों को कुछ लोगों ने बचा लिया। हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से हर शनिवार और रविवार को बाजार और दफ्तर बंद रखने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के संकेत दिए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 29,75,000 के पार हो गया है। राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी को बधाई दी। पटना में महिला को अगवा कर गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद 8 आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अंडरपास में फंसे किसान को कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से बचाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में घायल 24 यात्री अस्पताल में भर्ती कराए गए। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगाए गए चेक पोस्ट को लोगों की नाराजगी और प्रदर्शन के बाद हटाया गया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी और उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवी मुंबई में पुलिस ने इस्तेमाल किए गए दस्ताने बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 टन दस्ताने बरामद किए। यूपी सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ का फंड बनाया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 55,794 हो गया है। राजस्थान में कोरोना संकट के बीच आईएएस अधिकारी और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए एक 60 साल की महिला ने 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म देने की बात उस पर आई। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनसीआरटी की नकली किताब छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 35 करोड़ की किताबें जब्त की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। दिल्ली में ट्रायल के तौर पर सोमवार से 7 दिन तक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी दी गई है। पटना एम्स में 92 साल के बुजुर्ग महिला कोरोना से को मात देकर के ठीक होकर घर लौटी। बिहार चुनाव के लिए जारी दिशा निर्देशों में कोरोना खतरे के बीच उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार में एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का कैश और गहने बरामद हुए। तेलंगाना के जगतियाल में कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाई गई महिला को समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी मौत हो गई। कर्नाटक के कोपल में लॉकडाउन के नियम तोड़कर मंदिर में रथ यात्रा निकालने और तोड़फोड़ के आरोप में 50 लोगों पर केस दर्ज हुआ। गुजरात के सूरत में कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस जवानों ने प्लाज्मा दान किया। केरल सोना केस में कोर्ट के आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तेलंगाना में श्रीसैलम पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई। 28 अगस्त से शुरू होने वाला पंजाब विधानसभा सत्र में कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने वालों को ही एंट्री मिलेगी। कोलकाता में एसीपी उदयशंकर बनर्जी की 55 साल की उम्र में कोरोना से मौत हो गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बेरोजगारी के मुद्दे पर 1 सितंबर को उपवास करेंगे। गुवाहाटी में कोरोना से ठीक हुए बीएसएफ जवानों ने अपना प्लाज्मा दान किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने अवैध शराब के 2500 से ज्यादा बोतलें जब्त की। पुणे में शरद पवार के घर काम करने वाले 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने का भरोसा दिया है। गणेश चतुर्थी से पहले ही चेन्नई में बीजेपी दफ्तर में पूजा हुई और अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया गया। पटना से एक अस्पताल में कोरोना मरीज से ज्यादा पैसे अटने की कोशिश का आरोप लगा, जिसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की है। यूएई में कर्ज में डूबे विदेशी कैदियों की मदद करने पर एक भारतीय कारोबारी को सम्मानित किया गया। तुर्की के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति ने दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार या मंगलवार को चक्रवाती तूफान लॉरा के पहुंचने का खतरा जताया गया है। पाकिस्तान के लयारी में कुछ लोगों ने एक मंदिर तोड़ने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पीओके में एक समाजसेवी के पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद उसे जान से मारने की धमकी मिली है। नेपाल ने शर्तों के साथ 1 सितंबर से विदेशी उड़ानों को मंजूरी दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के एक चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया है। चीन के वुहान में लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलने के बाद बियर फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया। आईपीएल के यूएई पहुंची टीमें 6 दिनों तक के अपने कमरों में ही रहेगी। विराट कोहली ने आईपीएल के लिए यूएई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर टीम की एक तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। एथलीट दुती चंद ने अर्जुन अवार्ड के लिए नाम आने पर खुशी जताई है। रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट समेत 5 खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार खेल पुरस्कारों के इनामी रेशियो बढ़ा सकती है। खेल रत्न के लिए 25 लाख और अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए देने की योजना है। धोनी ने आईपीएल के लिए यूएई जाते समय विमान में इकोनॉमी क्लास के में बैठने को परेशानी एक यात्रियों की अपनी सीट बदल ली। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस की टीम भी अब यूएई पहुंच गई है। बीसीसीआई ने आईपीएल मैच के दौरान कोरोना के नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि बोर्ड ने उनके नाम नहीं बताए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वहां के क्रिकेट बोर्ड में सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। खबर है कि बीसीसीआई कोरोना संकट की वजह से अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार कर सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ऐलान हो गया है। अक्षय कुमार और लारा दत्ता समेत कई कलाकारों ने ब्रिटेन में फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी है। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने रिलीज हो सकती है। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री का पीछा करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही प्रकाश दुबे कानपुर वाला फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मीना कुमारी की जिंदगी पर एक वेबसाइट बनेगी जो कि अश्विनी भटनागर की किताब पर आधारित होगी। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में विद्या बालन मुख्य भूमिका निभा सकती है। सोनू सूद ने मदद मांगने वाले बिहार के एक किसान को एक भैंस खरीद कर दी। पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। अमिताभ बच्चन ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लालबाग के राजा की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी है। शिल्पा शेट्टी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की।